हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, नहीं करता है, करना चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सभी के दिमाग में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्यों है, कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्या करें, क्या ना करें। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क उन्हीं के लिए करता है जो ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस में, और ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स या गॉड में, या ट्रस्ट करते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ। मीन्स जो खुद पे ट्रस्ट करते हैं और भगवान पे भरोसा रखते हैं, और जो प्रोसेस है उस पे ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए, आपको सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, लेकिन वो मोटिवेशन तभी वर्क करेगा जब आप ट्राई करोगे। सिर्फ ये सोचते रहने का कि ये करेगा कि नहीं करेगा, उससे अच्छा है आप ट्राई करके देख लीजिए ना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी प्रोसेस होने दीजिए, कोई भी चीज़ होने दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया या नॉर्मल प्रेयर हो गया, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो उसमें उस स्टेप को फॉलो करना है। मीन्स आपको वो करना होगा तो ही आपको पता चलेगा वर्क करता है कि नहीं। अभी मैं कुछ भी बोल दूँ, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, आपसे कुछ भी बोलेंगे तो आपको भरोसा उतना नहीं होगा जितना जब आप खुद करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा तो जो आएगा। सक्सेस स्टोरी से क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, और उस स्टोरी में कुछ टीचिंग्स भी छिपी हुई हैं जिसे आप पहचान के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से क्या टीचिंग्स ली, या स्टोरी एक्चुअली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड, तो उसमें आपके लिए क्या ऐसा था जो आपको उस स्टोरी का अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए था, और आपने वो जैसे ना मोरल ऑफ द स्टोरी जैसे बोलते हैं, वो कौन सी चीज़ है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, कमेंट करके, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। स्टोरी में एक अंजलि नाम की लड़की है जो अपने स्कूल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मीन्स पढ़ाई में उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी जैसे 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 उसने पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है। जॉब जब लग जाती है तो उसे जॉब भी पसंद नहीं होता है। जहाँ भी जाती है उसको अंदर से रहता है कि मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ और अच्छा चाहिए, मुझे कुछ और अच्छा करना है। ऐसे करते करते एक दिन उसकी जॉब में ही उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है किसी रोहित नाम के लड़के से। दोनों के बीच में अफेयर होता है, फिर मैरिज तक चला जाता है, दोनों का लव मैरिज हो जाता है, वो लोग हैप्पली रहने लगते हैं। लेकिन अंजलि की जो एक आदत है वो आदत होती है कि वो अपनी जॉब को बहुत जल्दी स्विच ऑन करती रहती है। मीन्स जॉब बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है, उसको कहीं पे भी वो संतुष्टि की भावना नहीं आती है, या बोल दीजिए कि उसका मन ही नहीं लगता किसी भी जॉब में। लेकिन जीविका के लिए, अपना जिंदा रहने के लिए जो चाहिए चीज़ जरूरतें हैं उसके लिए वो जॉब उसको करनी ही है। उसके बाद होता क्या है कि बाद में इनका रिलेशनशिप थोड़े दिन अच्छा चलता है शादी के बाद, बाद में इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अंजलि का मन उस रिलेशनशिप से भी, मीन्स अपनी मैरिज से भी उठ जाता है, फिर उसमें भी डाइवोर्स हो जाता है। अंजलि अभी डाइवोर्स जो है और सिंगल रहती है, फिर वही उसका रूटीन है, जॉब चेंज करना, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में, ठीक है। तो वो उसकी लाइफ में चलता ही रहता है। अचानक एक दिन वो ऐसे बैठी है रहती है और न्यूज़पेपर देख रही होती है, तो न्यूज़पेपर में उसको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। एडवर्टाइजमेंट में कुछ एक रिसर्च वर्क चालू था, ठीक है। अभी वो रिसर्च वर्क किस चीज़ का था, वो एक एक्चुअली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही कोई कोर्स थे, लाइफ कोर्स थे, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था उनकी कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में। तो वो पढ़ती है और सोचती है कि ये क्या वर्क करेगा कि नहीं करेगा।
जो उसकी हेडलाइन थी वो थी जीरो से हीरो। अब वो उसको अट्रैक्ट करती है कि जीरो से हीरो कोई कैसे बनता है, क्या है इसमें एक्चुअली ऐसा। तो वो उस नंबर पे उससे कांटेक्ट करती है, उस कोच से। जब वो कांटेक्ट करती है तो उसको कुछ कमिटमेंट देने के लिए उसे फॉर्म फिल वगैरह करवाए जाते हैं, और उसका कमिटमेंट लिया जाता है 4 मंथ का। 4 मंथ में उसको बहुत सारी प्रोसेस थी जो वो कोच उसको बताते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो उसको प्रोसेस बता दी जाती है। उस प्रोसेस में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जाती थी कि आप अपने लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया चुन लीजिए जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो हेल्थ हो सकता है, आपका मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है। अंजलि क्या चुनती है, वो मनी चुनती है, क्योंकि मनी की वजह से उसके पास पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं बचते थे, इसके लिए वो जॉब करती थी, वो जॉब नहीं करना चाहती थी, केवल उसको जॉब कर रही थी कि उसको पैसा चाहिए। तो वो क्या सोचती है कि मैं क्यों ना पैसे का इम्प्रूव कर लूँ और अपनी जॉब को छोड़ दूँ हमेशा के लिए, अगर मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो। वो मनी का चूज़ करती है। तो उसको एक डेली ट्रैकर दिया जाता है कि आप जितना रोज़ पैसा खर्च करेंगे, आप उसको रात को सोने से पहले आपने जो जो खर्च किया उसको उस जर्नल में लिखना है, साथ में ईश्वर को धन्यवाद देना है उस पैसे के लिए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आज मैंने इतना इतना पैसा खर्च किया। ऐसा करके उसको वो डेली अपना जर्नल मेंटेन करना है, और वो जर्नल मेंटेन करते हुए अपने कोच को भी दिखाना है कि वो मेंटेन किया है कि नहीं किया है। उसने एक हैबिट तो उसकी चलनी थी। अब ये सबसे बोरिंग काम था उसके लिए कि अपने खर्च किए हुए पैसे को लिखना, क्योंकि वो खर्च करती थी कभी भी लिख के नहीं रखती थी कि उसने कहाँ कितना रुपए खर्च किए हैं। जब वो लिखती है, डेली लिखती है, पहला महीना उसका बहुत ही बेकार जाता है क्योंकि उसकी हैबिट नहीं है, लेकिन बाद में जब महीना ख़त्म होने को आता है तो वो रोज़ जब देखती है कि मैं कहाँ पे खर्च ज़्यादा कर रही हूँ, कि वो घर पे खाना नहीं बनाती, बाहर का कुछ भी लिख के खाती है, तो वो अपना उसको दिखता है। तो 2nd मंथ में आती है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी गलतियाँ कहाँ कहाँ वो गलती कर रही थी, कहाँ उसके पैसे वेस्ट हो रहे थे, अपने मनी को कहाँ बर्बाद कर रही थी, जहाँ से वो बचा सकती थी अगर वहाँ पे उसने वैसा खर्च नहीं किया होता उसके। तो वो जंक फूड छोड़ देती है, अपना खाना घर में बनाने लग जाती है, और ये सब जब उसकी प्रोसेस चल रही होती है तो उसके 2nd मंथ में उसके पास पैसे बच जाते हैं उसकी सैलरी से। 2nd मंथ में फिर वही प्रोसेस चलती है, तभी उसको अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि उसके पैसे बचने लगे, घर का खाना खाती है, हेल्दी फूड खाने लग जाती है, तो उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है उसका, और मन भी थोड़ा शांत होने लगता है, जब आपका शरीर ठीक रहता है तो आपका मन भी ठीक रहने लगता है, जब उसका तो उसको मेडिटेशन में मन लगने लगता है। 3rd मंथ आते आते उसकी सेविंग और बढ़ने लगती है। अब उसको वो जो जॉब उसको बोरिंग लगती थी, अब वही जॉब उसको इंटरेस्टिंग लगने लगती है, उसको लाइफ को इंजॉय करना सीख जाती है। और 4th मंथ आते आते उसको अपना लाइफ पर्पस भी मिल जाता है कि वो इस दुनिया में क्यों आई थी, क्योंकि उसमें खाली एक डेली ट्रैकर नहीं बताया जाता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच थे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रोसेस रहती हैं वो सारी प्रोसेस भी उसको बताई गई थी। उसका प्रमोशन हो जाता है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है विद इन 4 मंथ, उसका लाइफ स्टाइल, उसका सब कुछ बदल हो जाता है। मीन्स फिर उसको पता पड़ता है कि कैसे जीरो से हीरो बना जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप पे छोड़ रही हूँ, लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ जो कि की है पूरी स्टोरी का, कि अगर आप अपनी एक आदत को ट्रैक करना शुरू कर देंगे या अपनाना शुरू करेंगे कि आप डेली उसके बारे में लिखेंगे, तो एक कुछ महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपकी बहुत सारी दूसरी आदतें भी बदलने लग जाती हैं। ठीक है, आपको पता लगना चालू हो जाता है कि मैं कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही था।
ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या क्या अपने अपने विचार रखिएगा, मुझे किसी को जज नहीं करना है। और प्लीज़ जो दूसरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर से, आप ही किसी को जज मत कीजिएगा। सभी का अपना अपना नज़रिया है लाइफ को देखने का। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, सिर्फ मुझे वो पता होना चाहिए। केवल आप आए यूट्यूब पे मेरा वीडियो सुना और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्टोरी की टीचिंग्स क्या लेके जा रहे हैं और आप क्या ऐसी हैबिट है जिसको आप ट्रैक करना चाहेंगे, एक फ़न वे में, फ़न एक्टिविटी की तरह आप ट्रैक करके देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें एक सावधानी रखिएगा कि आप अपनी जो डेली की डायरी लिखते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है पूरे दिन की एक्टिविटी रात को लिखते हैं, उसमें नेगेटिव चीज़ें अगर आपकी लाइफ में कुछ होती हैं तो वो लिखना बंद कर दीजिएगा। ये इस स्टोरी का पार्ट नहीं है, अलग से मैं आपसे बताना चाहूँगी। अगर आपकी लाइफ में आज कुछ बुरा हुआ है तो आप उसको दोबारा लिखिएगा मत, क्योंकि जो हम लिखते हैं वही हम बन जाते हैं। तो आप उसकी जगह सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दे देना कि ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे एक अच्छा लाइफ लेसन देने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे साथ बुरा होता है हमें कोई लाइफ लेसन देने के लिए ही हुआ होता है। सिर्फ धन्यवाद ईश्वर मुझे मेरा लाइफ लेसन देने के लिए, बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन उस चीज़ को रिपीट रात को मत लिखिए। जो लोग जिनकी हैबिट है डेली अपने रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं, कुछ लोग आज उनके साथ पूरा पूरा दिन में क्या हुआ, अच्छी चीज़ें लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप अपने डेली हैबिट ट्रैकर से क्या ट्रैक करना चाहेंगे और किस हैबिट को ट्रैक करना चाहेंगे और इस स्टोरी से आपने क्या जाना और समझा। और जिनको लाइफ ऑफ लॉ सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी लाइफ को जीरो से हीरो बनाना है, मीन्स बदलाव लाने हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब चैनल के अबाउट सेक्शन में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए।